खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्याही और सियासत का रिश्ता पुराना हो चुका है। स्याही कांड की नई घटना महाराष्ट्र के जलगांव बीजेपी के जिलाध्यक्ष चुनाव में देखने को मिली है, जहां सीनियर नेताओं की मौजूदगी में ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के साथ मारपीट की और स्याही फेंकी। जलगांव में बीजेपी जिला कमेटी की मीटिंग अचानक अखाड़े में बदल गई, जमकर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई। हालात इस कदर बिगड़े कि मीटिंग में आए दो वरिष्ठ नेताओं को मीटिंग बीच में ही रोकना पड़ी। जलगांव में बीजेपी के जिला अध्यक्षों के चुनाव को लेकर मीटिंग हो रही थी। मीटिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और पूर्व मंत्री गिरीश महाजन भी शामिल होने पहुंचे थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान दो गुटों के समर्थक आपस में बहस करने लगे। मामला इस कदर बढ़ा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। इसी दौरान एक समर्थक हाथ में काली स्याही लेकर पहुंचा और अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुनील नेवे पर फेंक दी। इसके कुछ छींटे गिरीश महाजन के चेहरे और शर्ट पर भी पड़े। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो माने नहीं। आखिरकार चुनाव प्रक्रिया रद्द करते हुए दोनों वहां से चले गए। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं। पार्टी ने उनका विधानसभा टिकट भी काट दिया था। खड़से ने इसके लिए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और गिरीश महाजन पर इसका आरोप लगाया था। माना जा रहा है कि ये घटना उन्हीं तल्खियों का परिणाम है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी केस दर्ज नहीं करवाया गया है।